हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमें नहाए हुए हो चुके हैं 2 दिन, और जैसा मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में कि हम शायद कहीं घूमने जा रहे हैं। घूमने जाने का फाइनल भी हो गया था, टिकट्स भी बुक हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। लेकिन मतलब आज मुझे मैसेज आता, जब हमने निकलना था तो आज मुझे मैसेज आता है कि योर टिकट्स हैज बीन कैंसल ड्यू टू बैड वेदर एंड मतलब जो भी है। देख लो आप लोग भी गाइस, कितनी धुंध हो रही है। मतलब मुझे कल मैसेज आ गया था इसका, और आज हमारी फ्लाइट होनी थी। और तो मतलब मैं सबको ले जा रही हूँ, हम तो पहुँच गए। अब सबको ये, क्योंकि घर में रिश्तेदारों को सबको पता था कि हम लोग जा रहे घूमने, तो क्योंकि हम लोग हनीमून पे नहीं गए थे, तो इसलिए हमने अभी टाइम निकला था और अभी छुट्टियाँ भी थी, तो इसलिए अभी का प्लान बनाया था। लेकिन वो सब कैंसिल हो गया, शायद हमारे नसीब में नहीं है कहीं जाना। तो अभी यह दिन का टाइम है, दिन में इतनी धुंध है, मैं सबको भेज जा रही हूँ। मैं कहा देखो ये तो पूरा शिमला बना है बिल्कुल। मतलब जब मैं सोलन में रहती थी तो जब वहाँ बर्फ़ पड़ती थी तो तब ऐसी धुंध होती थी। हाथ पैर सुन है मेरे इस टाइम। और मैं कहा आपको थोड़ा अपडेट दे देती हूँ। और कल है जो राम जन्मभूमि में अयोध्या का जो इतना बड़ा इवेंट, वो कल होने वाला है। सारे लोग अपने अपने घरों में, सारे लाइट्स लग रही है और सबने झंडे भी लगा दिए हैं। देखो गाइस, सब जगह इसको त्योहार की तरह मना रहे हैं। तो अभी ताजा जी बर्फ गिरी है नाहन में। अभी हम बस स्टेशन घूमने आना हो तो प्लीज डू विजिट नाहन। दिस इज नाउ अ टूरिस्ट प्लेस डिक्लेयर्ड बाय शिवानी शर्मा एंड HP गवर्नमेंट आल्सो, क्योंकि यहाँ पे इतनी धूम पड़ने लग गई है जितनी शिमला में भी नहीं पड़ती है। मतलब मैं तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ बर्फ गिरेगी। हमारा रूम सबसे नीचे लेवल पे है ऊपर, और ये रास्ता है ऊपर का देखो। और मैं गाइस सब, मैं सबको बता रही हूँ कि हमारा टिकट वगैरह का क्या हुआ हमारे साथ। मतलब यार आज हम कहाँ होने थे, वो जगह नहीं बताई है मैंने कि हम कहाँ जा रहे थे हनीमून पे। लेकिन हम अभी पानी में होने थे यार, बीच के किनारे होने थे। मैं तो फील लेके अभी मैंने मतलब शुभम के पापा को, मतलब अपने ससुर जी को फोन किया था। मैं पापा हम तो बीच पे है। मैं अच्छा जब गर्मी आ जाएगी यहाँ तब आना वापस। ऐसे में तो सच में ही फ्लाइट का उड़ना बहुत इम्पॉसिबल होना था, है ना। दुख तो बहुत हो रहा है। नहीं नहीं गेड़ी गुड़ी नहीं, ऊपर धुंध होनी यार। नई गाड़ी में मेरे को पता है तुम्हारा बहुत मन है, पर अभी नहीं जाना हमने। अच्छा मैं तुम्हें ये चीज तो दिखाई नहीं, आओ देखो सब लोग झंडे लगा रहे अपने अपने घरों पे। जय श्री राम क्या लिखा है इसमें? हाँ यार सही पे, ये अंकल भी लाइट्स लगा रहे। वाह कितना अच्छा है, मतलब त्योहार वाली फील आ रही है सच में। दिवाली वाला कल हम भी दिए जलाएंगे, है ना। कल कुछ अच्छा सा बनाएंगे खाने में। कल मैं हलवा पूरी बनाऊं? हाँ कल मैं हलवा पूरी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में होता ही यार, जब भी कुछ अच्छा मतलब हम पूजा का या कुछ भी ऐसा मतलब महोत्सव टाइप होता है तो हलवा तो बनता ही है। हलवा पूरी ऐसी ऐसी चीज़ बनेगी, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। तो मैं हलवा पूरी बनाऊंगी, चने बनाऊंगी, आलू बनाऊंगी, ये सब बनाऊंगी कल मैं। कैमरा कॉन्शियस थी ना ये, इसको डर लग गया कैमरे के सामने आते। एक तो लाइट नहीं है आज, रोज का ही तभी तो मैं शॉर्ट भी लेगा। आ गई लाइट, कुछ और मांग लिया तो। इतने जल्दी मांगा हो वापस ले लिया भगवान ने। भगवान आ रहे तो अंधेरे में आएंगे ना, अंधेरे में उजाला करें, उजाला करें। ये बन चुकी है पूरियां, और साथ में है आज हलवा, माय फेवरेट एंड माय विद माय फेवरेट पर्सन। वैसे बनाई क्यों तुमने आज पूरियां हलवा? राम आएंगे तो पूरियां बनाऊंगी। यार शुभ काम करने से पहले हलवा पूरी हिंदू धर्म में कितनी मान्यता है कि हलवा तो बनता ही बनता है जब भी कुछ शुभ हो रहा हो। तो हमारे लिए, सबके लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए ये सौभाग्य का वो है, अवसर है और खुशी का माहौल है पूरे, मतलब एक जश्न टाइप है। तो हम उसको ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। फाइनली आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब राम मंदिर सबके लिए ओपन हो जाएगा और सब लोग इसके बाद राम मंदिर के दर्शन कर पाएंगे। तो फाइनली आज प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है अयोध्या में। इसके लिए हम सब हिंदुस्तानी और सब
इंडियंस के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सभी यहाँ पे भी मतलब नाहन में भी सारे लोग इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब जगह यहाँ पास में मंदिर है तो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन चल रहे हैं। तो आज मैंने भी हलवा पूरी बनाया था, तो अभी मैं पहले गाय को भी दे के आती हूँ। देखो गाइस, सब घरों पर देखो सेफ्रॉन फ्लैग, सब जगह भगवान लहरा चुका है। इतनी ठंडी हवा चल पड़ी, मौसम एकदम से करवट ले लिया यार मौसम ने आज। तो यहीं पास में मंदिर है, वहाँ पे भी अभी भजन कीर्तन का आयोजन है और उसके बाद भंडारा है, तो भजन में भी मैं जा रही हूँ, मतलब उसके लिए मैं तैयार होती हूँ थोड़ी देर में और फिर वहाँ जाती हूँ। पहले मैं गाय को रोटी दे के आती हूँ और हलवा भी दे के आती हूँ, तो हलवा पूरी मतलब गाय को भी दे के आती हूँ। तो गाइस मैं चल पड़ी हूँ मंदिर। तो गाइस भजन करने के बाद मैंने लिया भगवान का प्रसाद जो कि इतना टेस्टी था, मैं सबको बता रही थी कि इतना टेस्टी खाना मैंने आज दिन तक नहीं खाया है। भजन करने के बाद मैं आ गई घर और घर पे मेरे पति देव यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास रेस्ट करने के अलावा कोई काम नहीं है। मैंने इतना बोला चल पड़ो चल पड़ो, नहीं मैंने बहुत खा लिया यार, मैं नहीं खा सकता, मैं लंच स्किप करूँगा। ऊपर से ठंड भी इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना आज, तो बहुत हद है ठंड की, मतलब कोहरा ही कोहरा है सारे, और नीचे मंदिर में तो धूप भी नहीं आ रही थी तो बहुत ठंड लग रही थी, मेरा तो नाक भी एकदम से बहने लग गया। हमें बहुत देर भजन किया, मजे आए भजन करने के बाद, हमने इतना टेस्टी भंडारा खाया ना कसम से, मतलब मैं बोल रही हूँ घर पे भी नहीं इतना टेस्टी बना सकते हम खाना, उतना टेस्टी था। चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस थी आज की खाने की भी, और भजन करके तो बहुत मजा आया कसम से। तो गाइस घर आने के बाद हम चल पड़े गेड़ी मारने वाले ऊपर, मार्केट का माहौल भी देख के आते कैसा है सब, और थोड़ा घूम फिर के आते हैं क्योंकि दो दिन हो गए ठंडी इतनी ज्यादा हुई है, बाहर तो निकले ही नहीं जा रहा है अभी भी, सुनने मेरे को हाथ पैर। और आते ही मिला हमें ये ब्यूटीफुल सा नजारा देखने को, यहाँ चल रही है प्रैक्टिस 26 जनवरी के लिए, तो सारे पुलिस वाले लगे हैं परेड करने, और स्कूल के बच्चे भी है आई गेस एनसीसी एनसीसी वगैरह भी होते हैं। हां आगे आगे, क्योंकि हम भी करते थे स्कूल में थे जब हम, तो हमारी स्कूल में परेड होती थी और बड़े मजे आते थे। तुम भी करती थी क्या परेड? हां तो सारे स्कूल में करते ही थे। तुम क्या 15 अगस्त की करती थी या 26 जनवरी की? 15 अगस्त के टाइम तो हमारे स्कूल में मतलब रेन सीजन के टाइम पे तो वेकेशन होती थी, तो 26 जनवरी को होता था, तो हम परेड करते ही थे हमेशा। अच्छा आगे तुम फ्रंट पे होती थी या बैक? हां फ्रंट में, फ्रंट में, क्योंकि वो ड्रम रूम वाले भी आते थे ड्रम वीडियो देखने। हां हैं ड्रम वीडियो नहीं आते तुम? हां या तो फ्लैग में, क्योंकि हाइट थी ना, या फिर फ्लैग लेकर चलते थे हम। मैं हर चीज में आगे रहती थी, हर एक चीज में, डांस में, सिंगिंग में भी। इसी का फल है ये आज, चाहे सिंगिंग आती थी चाहे नहीं आती थी। मॉल रोड का दिखाते थोड़ा सा। हाँ वाह यार सारे मतलब झंड भगवान, वाह देखो गाइस दिखा रही हूँ बेसब्रे, सब चीजें दिखाओ ना यार, तब थोड़ा मजा आएगा। सारे झंडा लहरा रहा है, नहन का मॉल रोड, युग राम राज का आ गया। और नहीं और इतना खाली जैसे नहीं दिखता है कभी। हाँ जय श्री राम। देखो पूरा नहन गाइस इतना सुंदर सजा है, पूरा का पूरा देखो पटाखे जल रहे हैं, उफ दिवाली वाला माहौल है, इतना सुंदर लग रहा है सारा, ये देखो जगमग जगमग जगमग। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।